तो हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो दिन ना देखने पड़े। हम शिवराज सिंह के संवेदनशील हैं, शिवराज सिंह को हम चाहते हैं कि वो ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकारें केंद्र नहीं पूरे राज्यों में रहें, और जब तक वो हम हैं तब तक रहें। लेकिन शायद उनके जो सलाहकार हैं, नीतिकार हैं, वो ज्यादा उनसे पीड़ित हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अवगत कराते हुए कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी के जो सलाहकार हैं वो उल्टी गिनती गिना रहे हैं, हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं। अगर इतना कष्ट नहीं होता तो इन दिल्ली की सड़कों पर अलंग प्रदर्शन करना अध्यापकों को शोभा नहीं देता है। हम शर्मिंदा भी हैं, लज्जित भी हैं, लेकिन मजबूरी है, लाचारी है। हम गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, गरीब बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए जब भी हमने हड़ताल की है, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल से, जब भी हम हड़ताल करते हैं अवकाश में ही करते हैं। संडे के दिन धरना दिया जाता है, शाम को विद्यालय के बाद हम क्लिनिक धरना दे रहे हैं, और निरंतर 23 तारीख से हमारा 23 जुलाई से 1.5 महीने तक निरंतर क्रमिक धरना भोपाल के अंदर रखा गया। जब शिवराज सिंह ने यह नहीं समझा कि हम एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाएं और बात करें, इनकी समस्या गंभीर है, मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन ना मालूम क्या कारण है कि हमारी समस्या वो हल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जब हम उन गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अवकाश में धरना दे रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी गंभीरता से लें, शिक्षा विभाग में सम्मिलन करें, और हमारी अनुकंपा नियुक्ति परिवार की जो कठिन नियम बनाए हैं, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो जरूर गंभीर हो। हमें बहुत उम्मीद है, बहुत ही अपेक्षा है कि हमारी बात कोई सुने ना सुने, प्रकाश जावड़ेकर जी जरूर संवेदनशील होंगे, और वो इस अनुकंपा नियुक्ति पर जरूर संवेदनशील होकर के नियम को शिथिल करते हुए ये प्रशिक्षण का जो मुद्दा खड़ा है, बेचारी सड़कों पर भीख मांग रही, वो बीटीआई बीएड अपने बच्चों को कहाँ से कराएं? लाखों रुपए आपके विद्यालय, आप ही के विद्यालय चल रहे हैं, निजीकरण है, आपके नेता सब विद्यालय खोले हैं, फीस आप 30,000 लिखते हैं, विद्यालय 1,00,000 लेता है, अब सड़क में भीख मांग के पेट पालें या बीएड डीएड कराएं? इसलिए इस नियम को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति का जरूर प्रावधान करें, चाहे उस प्रशिक्षण को, जैसे अभी हम लोगों में किसी को, जो लोग प्रशिक्षित नहीं थे आईटी के तहत, उन्होंने हमें बाद में शासकीय के द्वारा प्रशिक्षण दिया और हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, ऐसा अनुकंपा नियुक्ति में भी कर सकते हैं। तिवारी जी, आप कुछ दिन बाद रिटायरमेंट होने जा रहे हैं जी, घर वालों की, परिवार की एक ही इच्छा होती है कि मेरे पापा जब रिटायर होके आएंगे, हम ये शौक करेंगे, हम मोबाइल लेंगे और एक हम फ्लैट लेंगे, तो उस दायरे के अंदर आप अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, ना हमारे घर परिवार के कभी मोबाइल का शौक रखते हैं, ना किसी चीज का शौक रखते हैं, हमें तो केवल सम्मान मिले आपकी तरफ से श्रीफल और नारियल और माला पहना करके, और हमारे परिवार के भविष्य के लिए कुछ कोष हो, हमारी पेंशन हो, क्योंकि 2005 के पूर्व आपने पेंशन बंद की है, बाद में हम 96 से निर्धारित है, 96 से हमारी नियुक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हमें जो है एक नियुक्ति दे करके एक वेतनमान पर निर्धारित किया था, जो बार बार नियम आता है कि आपकी शर्तें भी कुछ होंगी, उस दिन आप कहाँ गए थे, कई लोग उंगली उठाते हैं, हमने क्वालिफाई किया है, हमने व्यापम परीक्षा टेस्ट पास किया है, जो सहायक और शिक्षक अध्यापक हैं जिनको 7 माह दे दिया और 70,000 वेतन दे रहे हैं, वो पढ़ाते भी नहीं है और 5 पास की अंक सूची से डायरेक्ट शिक्षक बने हुए हैं। आपने हमारा व्यापम से टेस्ट कराया, आपने हम दिन रात मेहनत करके जो है 0 टॉलरेंस का चश्मा लगा हुआ है, दिन रात कड़ी मेहनत करके हमने टेस्ट को क्वालिफाई किया है, तब कहीं हमारी भर्ती हुई है, और भर्ती होकर के आज हमारी ये वेदना, आज हमारे इस शिक्षक की ये दुर्दशा कि वो सड़कों पर दिल्ली दल मंत्र पर अनंग प्रदर्शन कर रहा है। इससे बचाओ और राष्ट्र को बचाओ, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, अमित शाह जी, सारे बीजेपी के नेता, भ्रष्ट जितने मंत्री हैं, सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे फेवर में आए, नहीं तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिस दिन हमारे दरवाजे आप वोट मांगने के लिए आएंगे, काला
मत मांगना। बीजेपी वाले अपना मुंह काला करो, यहाँ से जाओ, और हम यहाँ तख्ता पलटने के लिए